हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे मैरिज इशू. सो इफ यू आर इन डिले इन मैरिज और आइदर सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स आर गोइंग इन योर लाइफ, लेट्स सी आपके लिए मैरिज के लिए क्या मैसेज है. डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर कुछ ऑब्स्टिकल है तो क्या सॉल्यूशन है. जान लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर यू. सो वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड. ओके, सी अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं या डिले हो रही है मैरिज को लेके या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सो किंग ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं दिस इज द टाइम टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, दिस इज द टाइम टू बी लॉजिकल एनालिटिकल. सो मैरिज को डिले फील करके पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर को लेके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं हो, क्योंकि एक राइट चॉइस ही आपके लिए बेस्ट रहने वाली है. सो जब तक आपके लिए एक राइट पार्टनर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं होते हैं, मैरिज में आपके लिए आपको ढूंढना होगा, डिले आपको फील होगा. सो किंग ऑफ सॉर्ड दिस इज द टाइम की राइट पार्टनर एट अ राइट टाइम विद द लॉजिकली माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़े. बहुत ज्यादा मैरिज को लेके इमोशनल होना, बहुत जल्दी रैंडम डिसीजन लेना या फिर बहुत ही इमोशनल प्रेशर में आ जाना, वो आपको नहीं करना है. ठीक है, सो किंग ऑफ सॉर्ड दिस इज द टाइम टू टेक अ राइट डिसीजन. राइट डिसीजन इज इंपॉर्टेंट दैन इंस्टीड ऑफ कि आप बहुत जल्दी किसी चीज में बढ़ जाए और वहां पर आपको आगे जाके रिग्रेट फील हो. सो यस, अ राइट पार्टनर इज वेटिंग फॉर यू एंड यू विल गोइंग टू अलाइन विद हिम और हर. आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए एंड बिल्कुल भी किसी की वजह से भी आप बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आ रहा है यूज योर ब्रेन, यूज योर माइंड. ओके, सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू. आई होप दिस विल गोइंग टू रेजोनेट. बाय.